अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे द टॉपिक ऑफ माय डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू कैन सी, मैं यहाँ पर सन ब्लॉक के बारे में बात करूँगी। आई एम हैप्पी कि आजकल लोगों में सन ब्लॉक के बारे में काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है और लोग इसको अपनी स्किन केयर में ऐड कर रहे हैं। बट स्टिल देयर आर सम पीपल जो कहते हैं कि हमने तो कभी सन ब्लॉक नहीं लगाया और हम तो नहीं यूज़ करते। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल देम कि मे बी इस वक्त आपको कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं नज़र आ रहे, बट जो भी सन से आपकी स्किन पर डैमेज हो रहा है, कुछ टाइम के बाद आपकी स्किन में वो पिगमेंटेशन की सूरत में, प्री मेच्योर एजिंग की सूरत में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप इसको ब्रैग करें कि हम नहीं लगाते और हमें कुछ नहीं होता। दिस इज़ समथिंग जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आपकी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन का एसेंशियल पार्ट है। वेदर यू आर होम, वेदर यू आर आउट, वेदर यू आर गोइंग इन टू द किचन, आप हीट में जा रहे हैं या सन लाइट में जा रहे हैं, हर सिनेरियो में सन ब्लॉक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको टैनिंग से प्रिवेंट करना इसका ओनली पर्पज नहीं है। टैनिंग से तो ये बचाएगा, बट स्टिल जो बाकी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कि हाइपर पिगमेंटेशन, आपकी स्किन पर जो स्पॉट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं आफ्टर 30s या कुछ लोगों को लेट 20s में स्किन पर जो छाइयाँ जिसको कहते हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सन रेज और उनका डैमेज जो हो रहा है उसकी वजह से होती है। प्री मेच्योर एजिंग लोगों में हो रही है आजकल, रिंकल्स पड़ रहे हैं, फाइन लाइन्स आ रही हैं और बहुत अर्ली एज में आना शुरू हो गई हैं, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ सन रेज एंड अदर इशूज़ भी होते हैं, बट वन ऑफ द रीज़न इज़ द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्किन कैंसर्स, सन एक्सपोजर्स, यूवी रेज जो हमारी स्किन तक पहुँचती हैं वो हमारी स्किन में डैमेज कॉज करती हैं और उसकी वजह से स्किन कैंसर्स होते हैं। एवरीबडी हैज़ टू बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, स्पेशली वो लोग जो ब्रैग करते हैं कि हम नहीं लगाते और हमें कुछ नहीं होता। आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट एवरीबडी, वेदर यू आर मेल, फीमेल, वेदर यू आर चाइल्ड, वेदर यू आर अडल्ट, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी जेंडर है, सन ब्लॉक इज़ समथिंग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स के सन ब्लॉक्स हैं और मैं एक एक करके इनको डिस्कस करूँगी और बताऊँगी कि हर सन ब्लॉक, हर ब्रांड का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या चीज़ें मुझे इनके बारे में अच्छी लगती हैं, क्या नहीं अच्छी लगती, और अगेन किस स्किन टाइप को कौन सा सन ब्लॉक सूट करेगा। बिकॉज कुछ लोग इसलिए भी सन ब्लॉक अवॉइड करते हैं कि उन्हें लगता है कि सन ब्लॉक लगा के एक जैसे बहुत कुछ हैवी उन्होंने अप्लाई कर लिया है और या फिर उनको स्वेटिंग ज़्यादा होती है और इस तरह के इशूज़ की वजह से भी लोग सन ब्लॉक अवॉइड करते हैं। और एक और मेन रीज़न होता है वाइट कास्ट। कुछ लोग जो कि ब्रिटिश स्किन टोन के हैं, जब वो वाइट कास्ट वाला सन ब्लॉक लगाते हैं तो एक बहुत ग्रे अपेयरेंस आती है उनकी स्किन की, तो इस वजह से भी कुछ लोग सन ब्लॉक्स अवॉइड करते हैं। चले हम मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर अब इन सब ब्रांड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी रिवाज के सन ब्लॉक के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग सन ब्लॉक लगाना अपनी लाइफ में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वो यही सन ब्लॉक यूज़ करते हैं, या फिर शायद मैंने तो सबसे पहले यही सन ब्लॉक यूज़ किया था। ये जो है वो लीस्ट एक्सपेंसिव है, इजीली अवेलेबल है। पहले ये 400 तक मिल जाता था, अब ये मिल जाता है आपको 600 समथिंग में। इसका जो एक मसला है वो ये है कि इसका थोड़ा सा वाइट कास्ट है, तो दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा सा हैवी भी लगता है आपकी स्किन पे। लेकिन मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ किया और मुझे इससे अच्छा सनब्लॉक कोई भी नहीं लगता था। इनिशियल डेज़ की अगर मैं बात करूं तो मैं जितने भी सनब्लॉक ट्राई करती थी मैं वापस इसी पे आ जाती थी, और अभी तक भी ये मैंने न्यू परचेज़ किया बिकॉज स्टिल मैं इसको अपनी फाउंडेशन में मिक्स करके या कभी भी इसको अप्लाई कर लेती हूँ। थोड़ा सा इसको ब्लेंड करने में टाइम लगता है और इसका वाइट कास्ट भी है, लेकिन जिनकी थोड़ी सी फेयर स्किन है उसमें ये आराम से अब्जॉर्ब होकर उनकी स्किन टाइप टोन का बन जाता है। लेकिन जो थोड़ी सी विटी स्किन टोन में, उनमें ये ग्रेनेस कर देगा, तो ये इसका एक जो है ना आप कह लें कि ड्रॉबैक है। और ये देखें थोड़ा सा टाइम लेता है सनब्लॉक अप्लाई होने में, बट जितना मर्ज़ी आप इसको यू नो ब्लेंड करें, ऐसा नहीं है कि ये पाउडर बन के उतरना शुरू हो जाए। जैसे कि मैं आप बाद में डिस्कस करूँगी, कुछ ऐसे सनब्लॉक भी हैं जिनको हम अप्लाई करें और ब्लेंड करने की कोशिश करें तो अजीब
पाउडर बन के वो उतरना शुरू हो जाते हैं. तो मेरी स्किन को तो ये काफ़ी सूट किया है. मेरी स्किन टोन स्किन टाइप सॉरी मेरी स्किन टाइप ऑयली टू कॉम्बिनेशन है, लेकिन स्टिल ये मुझे बहुत सूट करता था. और यस थोड़ा सा ये हैवी फील होता है जिन लोगों को नहीं आदत सन ब्लॉक लगाने की, और उन्हें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी उनके स्किन पर आएगा, तो वो लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं. ये मैंने इसको लगा के ब्लेंड किया है आपके सामने. थोड़ा सा टाइम लगा, बट देखिए मेरी दोनों हाथ की स्किन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन का भी डिफरेंस आ गया है. दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग रिवाज का सन ब्लॉक. इफ़ यू वॉन्ट ट्राई इट, आप इसे यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँगी, ये एक मेडिकेटेड सन ब्लॉक है, जेन फार्म का, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है ऑल स्किन टाइप्स के लिए. टिंटेड सन ब्लॉक है ये और 100 SPF है इसमें. ये मैंने यूज़ किया था कुछ टाइम और 900 के करीब इसकी प्राइस थी. ये है इसका जो कलर, इसमें हल्का सा फाउंडेशन जैसा टिंट आ रहा है और इसकी ब्लेंडिंग हाथ पे तो बहुत अच्छी हो जाती है. लेकिन इसका एक मसला ये है कि जब मैं इसको फेस पे अप्लाई करती हूँ तो मैंने जैसे पहले बात की कि इसको ज़्यादा ब्लेंड करने से ना ये पाउडर बन के ड्राई होके उतरना शुरू हो जाता है, जो कि जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती. ऑल दो मेरी स्किन ऑयली है, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाना चाहिए इसको, लेकिन नहीं. हाथ पे तो ये हो गया बट फेस पे इसका ये इशू है. और इसका जो वाइट कास्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं है. इसकी इसका जो रिवाज का वाइट कास्ट है वो प्रॉपर नज़र आता है, ठीक है. लेकिन ये आपकी ही स्किन टोन के अकॉर्डिंग ब्लेंड होके थोड़ा सा एक ग्लो दे देता है, समझ लें थोड़ा सा ब्राइटन अप करता है स्किन को. दैट्स इट. इसका ड्रॉबैक एक यही था कि ब्लेंडिंग में ये मुझे ना प्रॉपरली ब्लेंड नहीं होता. बाकी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सब स्किन टाइप्स इसको यूज़ कर सकती हैं. और कुछ लोगों को ये इशू नहीं आता ब्लेंडिंग वाला, बहुत इजीली उनके फेस पे ब्लेंड हो जाता है. या ये है कि आप इसको थोड़ी देर लगा कर छोड़ दें, ज़्यादा ब्लेंड करने की कोशिश ना करें, तो कुछ टाइम के बाद ये इजीली ब्लेंड हो जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस जेन फार्म का जो स्पेक्ट्रा ब्लॉक है. इसमें इनका एक ऑयली स्किन के लिए जेल वाला भी आता है, मैंने वो ट्राई नहीं किया बट ये भी मुझे कोई ख़ास लगा नहीं. मेरे ख्याल से मैं इसे दोबारा परचेज़ नहीं करूँगी, बट यू कैन गिव इट अ ट्राई. इसके प्रॉज एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिए. और ये आपको किसी भी फार्मेसी से आजकल इजीली मिल जाता है. नेक्स्ट एक ऑनलाइन ब्रांड है ऑर्गेनिक ट्रैवलर, मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगी. इस पर मेरी एक सेपरेट वीडियो है और उस पर मैंने इसकी सारी डिटेल्स डिस्कस की हैं, विद प्राइस, विद मेथड ऑफ एप्लीकेशन, स्किन टाइप्स, हर चीज़. लेकिन मैंने इसको सब सनब्लॉक्स की वीडियो में भी रख लिया है. और इसका एक ये टिंटेड सनब्लॉक है, इसका एक शेयर SPF भी है जो मैंने ऑर्डर किया और ईद के बाद वो मुझे रिसीव होगा. मैं उसका रिव्यू भी आपसे शेयर करूँगी. और ये भी ब्लेंडिंग में मुझे फेस पर यही इशू करता था कि ये पाउडर बन के उतरना शुरू हो जाता है. आई डोंट नो वाई, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये फर्स्ट ट्राई में ही बहुत अच्छा लगा है और वो काफ़ी बॉटल्स इसकी यूज़ कर चुके हैं. सो इसका मिक्स्ड ओपिनियन था मेरा. लास्ट वीडियो जो मैंने इसके बारे में बनाई है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. वो दिस इज़ अबाउट ऑर्गेनिक ट्रैवलर का ये टिंटेड सनस्क्रीन. एक और सनब्लॉक है सन प्ले का स्किन एक्वा. ये भी मेडिकेटेड है, आपको बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट भी रिकमेंड करते हैं आजकल. और ये इसके अंदर और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, विटामिन सी है, विटामिन ई है, कोलाजन, हाइलुरोनिक एसिड, अमाइनो एसिड. सो आप इसको अगर डे टाइम स्किन केयर में फेस वॉश करके कुछ ना भी लगाएं और ये लगा लें तो बहुत सारे और बेनिफिट्स भी आपको मिल जाते हैं. ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है और मैं ये काफ़ी लाइट वेट है, सब स्किन टाइप्स को सूट कर जाता है. और ऐसा जिसका बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट भी नहीं है, बहुत थिन, बहुत ज़्यादा लाइट टेक्सचर है इसका. मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से. इसकी प्राइस जो है वो थी 1970 तक, जो कि 25 ml, इतनी सी बॉटल के लिए बहुत ज़्यादा है. 25 ml का ये है सनब्लॉक. लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है अभी तक तो, बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स जो इसके साथ हमें बाकी इंग्रेडिएंट्स की शक्ल में मिल रहे हैं. देखिए आप इसका टेक्सचर, इट्स जस्ट लाइक अ सीरम. बहुत ज़्यादा लाइट है ये. और इसको अगर मैं ब्लेंड करके दिखाऊं हाथ पर तो ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, इसको कोई मसला नहीं है ऐसा. और कोई ज़्यादा वाइट कास्ट भी इसका नहीं है. आई गेस ये एक जैपनीज़ ब्रांड था
और ये आपको फार्मेसीज़ वगैरह पर मिल जाता है इजीली। लेकिन इसमें और बहुत से बेनिफिट्स आ जाते हैं, विटामिन सी है, विटामिन ई है, एजिंग को प्रिवेंट करता है, कोलेजन है, स्किन को टाइट रखता है, तो इसमें बहुत सारे और भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। आई एम लविंग दिस सनब्लॉक डिस्पाइट इसका एक प्राइस का फैक्टर है जो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, अदर देन दैट ये बहुत अच्छा सनब्लॉक मुझे लग रहा है। लास्ट है मेरे पास ये बायोडर्मा, ये पाकिस्तान में भी मिल जाता है बट मैंने ये दुबई से लिया था। पाकिस्तान में भी कुछ जो मॉल्स हैं अल्फता में भी या फिर कारफोर टाइप जगहों से ये मिल जाता है। ये है बायोडर्मा का टिंटेड वाला सनब्लॉक है और इस ये फाउंडेशन के साथ है। बाकी जो है इसकी अच्छी बात यह है कि बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है और एक बहुत ज़्यादा नाइस आपकी स्किन पर फाउंडेशन वाला भी इफ़ेक्ट आता है। आई एम सॉरी फॉर द जो नॉइज़ इन द बैकग्राउंड। 50 SPF ये है और प्राइसिंग फैक्टर भी इसका सबसे ज़्यादा है, लेकिन स्टिल आई लाइक इट। मैंने इसको काफ़ी रूटीन में यूज़ किया है, आप इसकी कंडीशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो ये बहुत ईजीली ब्लेंड हो जाता है और ऐसा लगता है कि आपने जो है कोई लाइट सी BB क्रीम लगाई है जिसके अंदर देखें 50 SPF भी है, UVB UVA प्रोटेक्शन है, PA टेट्रा प्लस भी है, सेंसिटिव स्किन के लिए भी अच्छा है और बहुत ज़्यादा ड्राई टच है इसमें। सो आई एम लविंग दिस सनब्लॉक। इन प्राइस के लिहाज से ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, दिस वॉज फॉर 151 dirhams। बाकी लेकिन ये ओवरऑल सनब्लॉक की क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा है। सो इनमें से अगर मैं दोबारा से डिस्कस करूँ कि मेरे फेवरेट्स, ये तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है, अभी भी इसको मैं फाउंडेशन में मिक्स करके यूज़ करती हूँ। बस थोड़ा सा हैवी मुझे अब लगने लग गया है बाकी सनब्लॉक्स के मुकाबले में, लेकिन इसकी ब्लेंडिंग हर चीज़ मुझे पसंद है। सो ये भी एक अच्छा सनब्लॉक लगता है। बायोडर्मा मुझे पसंद आया है और स्किन एक्वा ये मुझे पसंद है, और ये जो है मैंने वन टाइम ट्राई किए हैं, इसका मैंने शेयर SPF ऑर्डर किया हुआ है तो उसको भी ट्राई करके देखेंगे, लेकिन ये दोनों टिंटेड हैं और इनकी ब्लेंडिंग में मुझे प्रॉब्लम आई है। आई डोंट नो व्हाई ये मेरे साथ ही हुआ है या मे बी और भी लोगों ने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं जिन लोगों ने जैन फार्म और ऑर्गेनिक ट्रेवलर यूज़ किया है। मुझे पता है इसके बारे में मिक्स्ड ओपिनियन है, कुछ लोग कहते हैं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है, लेकिन सबकी स्किन जो है वो डिफरेंट होती है और हर चीज़ को डिफरेंटली रिएक्ट करती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द सनब्लॉक्स दैट आई हैव यूज्ड इन माई लाइफ, और मज़ीद भी जो मैं यूज़ करूँगी आई विल डिस्कस दैम। और कोई ऐसा सनब्लॉक जो आप मुझे सजेस्ट करें कि मैं यूज़ करके आपको बताऊँ तो आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। और स्टिल अगर इन सब सनब्लॉक्स के बारे में भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम वर्किंग रियली हार्ड कि मैं जो भी स्किन और हेल्थ से रिलेटेड अच्छी नॉलेज मेरे पास है वो मैं कन्वे कर सकूँ और आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सो दिस इज़ ऑल बाय माई साइड फॉर दिस टाइम। थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ गुड डे।